The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Okay, what is the reason कि आपको अगर फ्लू होता है तो जल्दी ठीक नहीं होता और क्यों वो फ्लू बार बार वापस आ जाता है, राइट? सी, कोल्ड या फ्लू इज अ वायरल इन्फेक्शन, राइट? एक वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरल इन्फेक्शन अगर आपका जल्दी ठीक नहीं हो रहा है या बार बार वापस आ रहा है तो उसके कुछ स्पेसिफिक रीजन, देयर मस्ट बी रीजंस, एक्सप्लेनेटरी रीजंस, पॉसिबल रीजंस व्हाई यू आर getting recurrent cold, recurrent flu, and there is a problem in your body, right? So what are these problems? Number one reason for recurrent cold, recurrent infection or prolonged cold, कि लंबे समय तक cold रह रहा है, दिक्कत ठीक ही नहीं हो रही, first number one reason is कि आप अगर सही मात्रा में rest नहीं ले रहे, you are not getting enough rest. See, your body needs rest to fight off these viruses. अगर body को rest नहीं मिलेगी तो body will become, you know, compromised. Body systems will become compromised and आपकी body को at least मान लीजिए पहले 3 दिन के लिए जब आपको flu virus cold होता है तो पहले 3 days are very very crucial to get enough and proper rest. राइट, सो अगर आप बहुत कम रखेंगे अपनी नींद को, अगर 6 घंटे मिनिमम नींद है आपकी, नॉर्मली 8 से 9 घंटे की नींद होनी, 7 to 9 hours नींद होनी चाहिए, जब आप बीमार हैं तो उससे ज़्यादा भी हो सकती है. सो अगर आप उतनी है उससे कम रखेंगे, 6 घंटे से कम रखेंगे, 6 घंटे रखेंगे, तो आपकी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, नेचुरल किलर सेल्स हैं, जो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, वो स्लो हो जाएंगे. सो ऑब्वियसली आपके दुश्मन, आपके वायरसेस को हावी होने के लिए मौका मिल जाएगा और दिक्कत होगी आपको पूरी तरह से ठीक होने में, राइट? सो दैट इज नंबर वन रीजन, राइट? आपको 7 घंटे से 9 घंटे तक सोना चाहिए. लेस देन 7 इज नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग इलनेस. Second big reason is you are low on fluids, you are low on liquids. अगर आप पानी ही कम पी रहे हो, अगर आप पानी कम पी रहे हो तो ultimately क्या होगा, आपके अंदर जो, it's very very important, fever अगर होता है, cold flu होता है, sore throat होता है, पानी पीने में दिक्कत है, difficulty है swallowing में, so आपका पानी आपके गले को सूद करेगा, स्मूद करेगा, राइट? पीने में आराम होगा, ज़्यादा पानी पियेंगे, म्यूकस सॉफ्ट होगा, फीवर बेटर होगा, ड्राइनेस नहीं होगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगी, आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस बेटर होंगे, वायरस को मारना बेटर होगा, उसके जो मारने के बाद मेटाबॉलिक नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी निकलेंगे. सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप पानी कम पियेंगे या पानी निकाल देने वाली चीज़ें ज़्यादा पियेंगे, जैसे इफ यू आर टेकिंग कैफीन, इफ यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ कॉफी और अल्कोहल, तो इन सब चीज़ों से डायूरेसिस होता है, पानी ज़्यादा निकल जाता है शरीर से यूरिन बनके, सो होगा क्या, आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन एडिशनली हो जाएगा इन एडिशन टू कोल्ड फ्लू. तो पानी ज़्यादा पीना. नंबर थर्ड रीजन है स्ट्रेस. अगर आप स्ट्रेस्ड आउट है, इफ यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर वर्क, व्हाटएवर, रिलेशनशिप, बच्चे, सो इसका इफेक्ट आपके इम्यून सिस्टम पे पड़ता है. जब आप स्ट्रेस होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है और इस स्ट्रेस्ड इम्यून सिस्टम में आपका वायरस के खिलाफ फाइट करना आपके इम्यून सिस्टम को मुश्किल हो जाती है. ऑनगोइंग स्ट्रेस, लेस रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में, कॉर्टिसोल बढ़ता जाता है लेकिन कॉर्टिसोल की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो आपकी इम्यून सिस्टम कंट्रोल करने वाला जो कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल है स्ट्रेस हार्मोन, अगर बार बार आएगा, जैसे एक वायरस के इन्फेक्शन में या कोल्ड फ्लू में तो कॉर्टिसोल सिक्रेट होता ही है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो कोल्ड फ्लू उस कंडीशन में भी आपका सिक्रेट होगा और आपका सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, तो आपकी इम्यून सिस्टम मान लीजिए कम हो जाएगा. सो स्ट्रेस इज अ बिग फैक्टर विच विल लीड टू दिस इशू. देन यू नीड टू मेक श्योर कि आप स्ट्रेस के खिलाफ कुछ कर रहे हैं,
योगा मेडिटेशन रिलैक्सेशन इनफ स्लीप ये बहुत जरूरी चीज है राइट देन अगर आप एक बहुत बड़ा कारण होता है कि अगर आपको कोल्ड फ्लू है लेकिन आप किसी और चीज के बारे में किसी और चीज को ट्रीट कर रहे हो रॉन्ग ट्रीटमेंट रॉन्ग डायग्नोसिस अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो एक कोल्ड फ्लू को किसी और बीमारी जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोल्ड फ्लू नहीं है मुझे डेंगू हो गया है मुझे स्वाइन फ्लू हो गया है या स्वाइन फ्लू भी तो फ्लू ही है मगर मान लीजिए आप किसी और बीमारी के लिए उसको ट्रीट करने लग जाए कि नहीं मुझे कोल्ड फ्लू नहीं है मुझे एलर्जी हो गई है ये एलर्जी है एलर्जी मान लीजिए और एलर्जी की ट्रीटमेंट कर रहे हैं वायरस की ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं राइट एलर्जी एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेने से टेम्पररीली सिम्टम्स तो दब जाएंगे छींक नहीं आएगी रनिंग नोज ठीक हो जाएगा मगर वायरस नहीं मर जाएगा एंटी एलर्जिक मेडिसिन से एंटी एलर्जिक मेडिसिन कोल्ड फ्लू को ठीक नहीं करती राइट सो हमारा इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट से हमारी बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं होगी सो एलर्जीज आर वो आ सकती है जा सकती है एलर्जिक रिएक्शंस अलग हैं कोल्ड फ्लू अलग है कोल्ड फ्लू एक वायरल इलनेस है ठीक है और एलर्जिक राइनाइटिस अलग चीज है वो एलर्जिक कोल्ड अलग होता है वो कोल्ड भी नहीं होता वो एलर्जिक रिएक्शन होता है सो ये फोर्थ बिग रीजन है कि वायरल फ्लू को कोल्ड फ्लू को हम एलर्जी समझ जाते हैं राइट और पांचवी चीज है अगर आप एक्चुअली कोई गलत दवा ले रहे हो उसके लिए राइट ये बहुत कॉमन हो जाता है क्योंकि आज के डेट में इतने ज्यादा होम रेमेडीज इतने ज्यादा टोटके टूटके पड़े हैं यूट्यूब पे इंटरनेट पे कि लोग कुछ भी ट्राई कर लेते हैं पॉपुलर कोई हर्बल मेडिसिन कोई काली ये पता नहीं नारंगी चाय ये टी वो फी ये टी सब पी के हम इससे ही ठीक हो जाएंगे मे बी उसमें क्या है क्या नहीं है नोबडी नोज मे बी उससे टेम्पररी रिलीफ मिले बट वी डोंट नो राइट एक आधा दो तीन चीजें होती हैं नेचुरल चीजों के बारे में जो लोग कहते हैं एक तो होती है एचिनिया राइट एकिनिया करके कुछ होता है नेचुरल ट्रीटमेंट है जो लोग सजेस्ट करते हैं कोल्ड के लिए वो लेकिन रिसर्च में देखा गया कि ये बिल्कुल काम नहीं करती जिंक को बोला जाता है कि जिंक लोगे तो आपकी कोल्ड ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगी लेकिन सिर्फ जिंक से वायरसेस नहीं मरने वाले राइट ऑब्वियसली इट विल हेल्प बट आपका इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट अगर होगा तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपकी कोल्ड फ्लू पूरी तरह ठीक नहीं होगा या तो वो वैसे का वैसा रहेगा या वो वापस नहीं आएगा राइट वापस आ जाएगा सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मेक श्योर और बहुत जरूरी है पांचवा छठा रीजन है कि लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई बैठे रहते हैं घर में बाहर ही नहीं निकलते एक्सरसाइज बंद कर देते हैं वर्कआउट वॉकिंग वो बंद कर देते हैं ये गलत है अगर आपको कोल्ड फ्लू हुआ है और आप अपनी वर्कआउट अपनी रूटीन अपनी एक्सरसाइज अपनी वॉक बंद कर देंगे तो उससे क्या होगा वो भी आपकी बॉडी के अंदर कंजेशन चेस्ट कंजेशन गले में कंजेशन उन सबको बढ़ावा देगा सो एक्सरसाइज रेगुलरली करनी जरूरी है आपको अगर फीवर है तभी आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे वरना कोल्ड फ्लू में एक्सरसाइज करने से यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प राइट सो ये छह रीजंस हैं कि आपका कोल्ड वापस बार बार आ रहा है या आप और या आपका कोल्ड लंबे समय तक रह रहा है और अगर एक मोटा मोटा रीजन बोलें कि किसी को अगर सालों से कोल्ड फ्लू लगा ही रहता है बीच में ठीक बीच में लगा दैट केस इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है यानी उनकी इम्यूनिटी ही वीक है इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है तभी ये हो रहा है उनको अपना इम्यून सिस्टम के लिए इवेल्युएशन कराना होगा राइट सो दिस इज द बेसिक अबाउट रिकरेंट कोल्ड कफ इम्यून सिस्टम के बारे में हम अभी बात करेंगे पहले आप लोग को के कुछ सवाल ले लेते हैं राइट सो प्लीज राइट डाउन योर कमेंट्स व्हाटएवर यू हैव देन वी विल सी